गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. इट्स सैटरडे मॉर्निंग एंड इट्स ऑलरेडी 9:30 AM एंड उठ के सीधा फ्रेश होके आई स्टार्टेड दिस व्लॉग. स्टिल आई एम फीलिंग काफ़ी थका थका टाइप्स, मतलब आई एम फीलिंग लो ऑन एनर्जी, जबकि मैंने अच्छी खासी नींद ली है. स्टिल इट टुक मी अ वाइल टू गेट अप फ्रॉम द बेड. द फोर्थ सैटरडे, तो फोर्थ सैटरडे एंड संडे बैंक्स बंद रहते हैं, सो आज और कल छुट्टी है. सो आई थॉट ऑफ डूइंग सम क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. कल सोचा था, अभी थोड़ी सी एनर्जी कम है तो लेट्स सी. उससे पहले आई हैव टू डू माई वर्कआउट्स, बिकॉज कल मैंने ऑलरेडी ऑफ ले चुका है, रेस्ट डे हो चुका है, आज वर्कआउट करना पड़ेगा. सो आई विल बी स्टार्टिंग माई डे विद वर्कआउट एंड लेट्स सी उसके बाद दिन कैसा आगे बढ़ता है. So we finished our workout and look at all the sweat and the redness on my face. I'm all sweaty, but I love this sweat. So I'm going to do some cleaning while listening some songs. So I took bath and I wore my new t-shirt and these shorts. And these were not shorts. ये एक मेरे पास पुरानी jeans पड़ी थी which I was not wearing बहुत time से. So I cut it into shorts क्योंकि anyway मैं वो jeans फेंकने वाली थी, तो I thought कि उसे काट देते हैं, उसकी टांगों को फेंक देते हैं, remaining shorts को रख लेते हैं and let's try at home. अगर वो चलती हैं तो. सो आई एम वियरिंग ये जीन्स वाले शॉर्ट्स घर पे फॉर द फर्स्ट टाइम. कंफर्ट में इट्स परफेक्टली फाइन, आराम से बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई शेव माय लेग्स, मस्त. घड़ी नहीं है यहाँ पे, बट इट्स आई थिंक 12 o'clock एंड एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन मैंने कुछ नहीं लिया है, नो ब्रेकफास्ट, तो दिस विल बी अ ब्रंच. I really love this almond milk body yogurt. इसकी जो स्मेल है ना, इट्स अमेजिंग. ऑब्वियसली वीडियो में पता नहीं चलेगा, पर बहुत बहुत अच्छी स्मेल है. सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट आई नीड टू डू सम एडिटिंग. मैंने अपना हॉल वीडियो ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया है एंड वी हैव वन ओल्ड व्लॉग फ्रॉम उदयपुर. इट वॉज फ्रॉम जनवरी और फेब्रुवरी, जो कि रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, मतलब जनवरी फरवरी से, एंड अभी तक भी उसे एडिटिंग किया है. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद दैट एंड आई ऑल्सो हैव टू कट माई नेल्स एंड पेंट देम. कट ज़्यादा ज़रूरी है, पेंट तो कोई नहीं, कट ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कल आई स्क्रैच्ड माई सेल्फ. मतलब हम ऐसे लोग हैं कि हमें कोई नहीं मारता है, हम अपने आप को मारते हैं. तो मैंने कल खुद को स्क्रैच कर लिया था टो नेल से इस हाथ पे एंड वो अभी तक भी जलन कर रहा है. जब मैं नहा रही थी वो तभी मुझे जलन कर रहा था. सो मैंने अपनी एक छोटी सी चोटी बना ली है एंड ऑल्सो आई पुट सम काजल एंड अब मेरा फेस ज़्यादा बेटर लग रहा है एंड नाउ आई विल बी हैविंग माई ब्रेकफास्ट स्लैश लंच. पीछे वो कुछ मैंने शॉपिंग की है,
जिसका कि हॉल में शूट करूंगी वंस सारा सामान आ जाए। सो वी हैड आर ब्रंच, इट्स 12:30 एंड मैंने क्या खाया, मैंने खाया ये डबल ऑमलेट विद मसाला ब्रेड एंड इट वॉज गुड, बट आई फेल्ट लाइक कुछ ड्रिंक की कमी थी उसमें, ड्रिंक भी होना चाहिए था साथ में, कोई सोडा और समथिंग एनीथिंग, तो सोडा तो नहीं है, बट वी मेड कॉफी एंड नाउ आई हैव दिस। So I have my cold coffee, my laptop, and now I'll start my editing. Did some editing and I slept for a while after that. Editing करते करते मैं सो चुकी थी, मुझे पता भी नहीं चला, and now I want to organize my earrings क्योंकि morning में ढूंढने में बड़ी problem होती है, तो मैं उसे थोड़ा सा organize तरीके से रखना चाहती हूँ। So मैं निकालती हूँ अपना जो earring box है, this is how I store my earrings। ये एक मिठाई नहीं ड्राई फ्रूट्स का डब्बा था, पता नहीं कितना पुराना है। दिस लुक्स लाइक सच अ रॉयल थिंग कि पता नहीं इसमें कितने हीरे जवाहरात होंगे, बट इट हैज़ ऑल माई ईयरिंग्स ओनली। तो सब कुछ बाहर निकालते हैं पहले एंड देन आई सी एक एक करके कि किसका पेयर मेरे पास अभी भी है कि नहीं है। आई हैव दीज बड़े वाले हुप्स, ऑल दो मैंने इसे अभी तक आई गेस नहीं पहने हैं, बट आई हैव बोथ द पेयर, सो इसे हम रख रहे हैं। एंड इसी के साथ में इट वॉज अ सेट, मैंने शायद 3 हुप्स लिए थे, इसका ये सेकेंड सेट भी है मेरे पास एंड ऑल्सो आई हैव द थर्ड सेट, तीनों हैं तो तीनों हमारे जाएंगे बॉक्स के अंदर। आई हैड दीज पेयर, आई डोंट नो इसका, ये वाला तो सही है, इसका हुक टूट गया है शायद एंड पता नहीं मैंने फिर भी क्यों रखा हुआ है। देन आई हैव दीज बड़े वाले झुमकास, ये कुर्ते के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, सो दोनों सेफ है सही सलामत, इसको भी वी आर गोइंग टू कीप। गंदी हो गई है ये वाली, बट आई लाइक दिस इयर रिंग्स बड़े झुमके क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई एम गोना कीप देम, आई एम गोना कीप एवरीथिंग बेसिकली, सिर्फ जिसका कुछ भी टूटा हुआ है वो ही जाएगा। सो
सो आई सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज देम अपने तरीके से, जैसे कि मुझे मॉर्निंग में मिल जाए वो चीज़ें. मेरे को अभी याद आया कि मैंने अपना फोन कवर भी ऑर्डर किया था. मेरे फोन का पुराना कवर बहुत गंदा और पुराना भी हो गया है, सो आई ऑर्डर्ड एक फोन कवर फ्रॉम अमेज़न. सो दैट्स माय न्यू फोन कवर. मैंने ये इस फोन को आई गेस एक डेढ़ साल शायद हो गया होगा, एंड मैंने डेढ़ साल में कोई कवर यूज़ नहीं किया है. दिस आई गॉट फ्रॉम अमेज़ॉन. आई थिंक मैंने 300 के आसपास का लिया है. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दूंगी इफ़ यू वांट टू ऑर्डर इट. दिस कवर इज़ फॉर MI नोट 5, सो दैट्स हाउ इट लुक्स नाउ. न्यू कवर. सो द वेदर आउटसाइड इज़ गुड एंड वी आर गोइंग फॉर आर लिटिल राइड. Let's see. So we went out and it started raining, so we came back and now I am going to do some editing then. I finished my dinner and I ordered paneer butter masala with malabar paratha. I love this combination and it's almost 9 o'clock and the day was good, relaxed. I slept for a while and I was not trying to be productive and I was taking the day slowly. And shaam mein we went out but it started raining, so we came back and फिर again मैं हम लोग and then again we went for a walk, not a walk, like on scooty, for a scooty ride. दिल्ली में मानसून अभी तक नहीं आया है. I don't know कब आएगा because we are waiting eagerly for the rains. Good morning everyone, happy Sunday.
एंड आई वोक अप एट 8:30 एंड फॉर टुडे आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग सम क्लीनिंग, नॉट डीप क्लीनिंग बट स्टिल थोड़ी सी सफाई. ये नेक ख्याल इसलिए आया दिमाग में बिकॉज आई सॉ माई पंखा विच इज रियली डर्टी एंड आई हैव टू ऑर्डर ग्रोसरीज ऑल्सो. इधर आई ऑर्डर इट और मे बी वील गो एंड बाय इट. सो लेट्स गेट गोइंग विद द क्लीनिंग रूटीन. So I'm taking a break from all the cleaning and having my breakfast. Oats, mango and kuch cranberry ki toppings. Ye mere paas padi hui thi pehle se hi to maine socha thoda flavor aa jayega. So I am editing this Udaipur vlog and it's bringing all the memories jo humne wahan pe spend kiya. And I again want to go to Udaipur. इस कोकोनट में कितना पानी है. आई वॉज एडिटिंग एंड नाउ आई एम हंग्री सो आई एम गोना ऑर्डर सम लंच थिंग फॉर मी. तो मैंने ऑर्डर किया एक रेड सॉस पास्ता एंड एक आलू टिक्की बर्गर. ये है हमारा पास्ता एंड आलू टिक्की बर्गर एंड आई विल बी वॉचिंग सम मूवी ऑन प्राइम और नेटफ्लिक्स नाउ. सो आई फिनिश्ड द लंच एंड पास्ता वॉज सो बैड. ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने कोई इंडियन ग्रेवी में मतलब मटर मशरूम टाइप ग्रेवी में पास्ता डाल दिया है. इट वॉज रियली बैड. मैंने अभी तक इस रेस्टोरेंट से हमेशा इंडियन खाना ऑर्डर किया है विच वॉज ऑलवेज गुड बट मेरी गलती थी कि मैंने पास्ता ऑर्डर किया. So I went out and we bought some stuff. मैंने बहुत ज़्यादा shopping नहीं की but one major thing is that I got a new bag. This is this bag from Code. इसमें there are pockets. You can
keep your wallet and stuff. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है but छोटे के हिसाब से it's got lots of pockets and काफ़ी जगह हैं to keep stuff. When you are going ऐसे ही कभी evening पे या कहीं भी घूमने जा रहे हो but you don't have to carry a lot of stuff. You can just carry this bag and it's brown. तो सबके साथ में जाएगा ये. And some छोटी मोटी चीज़ें that I bought like this tumbler. I had two of these. बट वो टूट गए रिसेंटली, दोनों टूट गए. एंड आई गॉट दिस, दिस इज फॉर 129. एंड आई गॉट दीज मेकअप पफ्स. कैसे खुलेगा, खुल नहीं रहे, सीजर से खोलती हूँ. वाओ, एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा टाइप है, उसके अंदर है ये. सो दीज आर लिटिल मेकअप पफ्स. नाइस. आई गॉट फोर ऑफ दीज इन रुपीज 159. वेरी गुड. लेकिन डिपेंड्स कि कितना टाइम चलता है बिकॉज इट्स क्वाइट सस्ता. And I got a new comb, लकड़ी वाली comb for my hair. And last I got these two makeup wipes. Sorry, not makeup wipes, nail polish wipes, nail polish remover. This is for 40 rupees and एक में there are 30 pads and it's buy one get one type का. I was throwing my debit card with this. Good. So that's it. That's what I got. And it's 9 o'clock. So now I'm going to cut some veggies for kal ka lunch. So that kal fatafat se lunch prepare ho jaye. So now I'm going to end this vlog. And if you like this video, then like it and also subscribe to my channel, and I'll meet you in my next video. Until then, bye bye.